क्या औरतों के लिए इंसाफ नहीं है? अरे कम से कम मोदी जी हमारा इतना ख्याल तो कर ले, गरीब आदमी किस तरह रोडों पर खड़े फिर रहे। जब मोदी जी पहली बार आए थे हम ही लोगों ने उन्हें जिताया था, घर घर जाके हम लोगों ने उनका प्रचार किया था। और आज क्या है कि हम ही लोगों की सैलरी नहीं, कुछ नहीं, कुछ हम लोग ऐसे धक्के खा रहे हैं सड़कों में। 5 किलो चावल फ्री में दे रहे हैं, बेवकू बना रहे हैं, और दाल साग सब्जी हरा सब्जी सबको आसमान छुआ रहे हैं। इतना गरूर हो गया, कुर्सी पर बैठते हैं तो उनको बोलिएगा कि इस्तीफा दे देने के लिए। हमें वैसी मंत्री नहीं चाहिए जो एक महिला होकर के महिला का शोषण करे। अगर इतना समझ नहीं है तो इस्तीफा दे दे। कैसे कुछ फ्यूचर में हम कुछ सपोर्ट ही नहीं करेंगे, वोट ही नहीं देंगे, कोई वोट नहीं देंगे। हम जैसे हमने उनका प्रचार किया था ना वोट देने के लिए, वैसे उन्हें गिराने के लिए प्रचार करेंगे। हर चीज को ऊपर उठा दे और चाहे तो धरती में पचा दे, ये महिला ऐसी चीज है। नमस्कार, मैं हूं नूरजा और इस वक्त मैं मौजूद हूं जंतर मंतर में जहां पे आंगनवाड़ी का प्रोटेस्ट चल रहा है। तो इन्हीं से बात करते हैं, आपका मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा है हमारी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। अभी आपकी तनख्वाह कितनी है? सिर्फ 5500 रुपये, 6500 रुपये बस। मैं 20,000 आंगनवाड़ी काम हमारे से, हर विभाग का काम हमारे से लिया जाता है। कब क्या चाह रही, कितनी तनख्वाह होनी चाहिए? कम से कम 25,000 तो होनी चाहिए, 12,000 रुपये होनी चाहिए। आप कितने घंटे काम करती है? 4 घंटे। जो हमारे सुबह शाम हो जाए, BLO में ड्यूटी हमारी है, स्वास्थ्य विभाग में ड्यूटी हमारी है, और आंगनवाड़ी में हमारी है, कुछ भी गांव का टोटल होता है, हर विभाग का काम हमारा किया जाता है। बना के देनी रात को ही, बिल्कुल 24 घंटे ड्यूटी है हमारी, तनख्वाह हमारी कम। एक विभाग का काम नहीं है, कई विभागों का काम मिलता है हमें, ये है। ये अगर हमारे विभाग ये वोट बने, ये आंगनवाड़ी वोट बना रही, इनकी मर्जी है। ये काट भी कर सका है सारों को, ये जिता भी सका, हरा भी सका है। अरे कम से कम मोदी जी हमारा इतना ख्याल तो कर ले, ये गरीब आदमी किस तरह रोडों पर खड़े फिर रहे। पर मोदी जी ने तो महिलाओं को आरक्षण दिया है ना? कहे का आरक्षण दिया? आपको तो नहीं मिला है? नहीं, हमें नहीं मिला कुछ भी आरक्षण। हमें कुछ नहीं मिला आरक्षण वगैरह, अभी हमें कुछ नहीं मिला। अभी आते हैं लारा लगा के भगा देते हैं, फिर बैठ जाते हैं कि हमारे खाते में कुछ ना कुछ आवेगा, हम आ गए थे रैली में। लेकिन ऐसी बात नहीं है, कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए। क्या औरतों के लिए इंसाफ नहीं है? हाँ, सही बात है। कुछ ना कुछ तो औरतों के लिए चाहिए। क्या ये महिला क्यों बढ़ाते हैं? हर विभाग में सब ऐसा बोल के क्या नहीं बढ़ा सकते? क्या शिक्षा मित्र 3-4 घंटे काम करते हैं उन्हें 11,000 रुपए? कुछ भी तो होना चाहिए, चाहे तो हर चीज को ऊपर उठा दे और चाहे तो धरती में पचा दे, ये महिला ऐसी चीज है। मैडम इस मानदेय में ना हमारे बच्चों का गुजारा नहीं होता, क्योंकि फीस भी हमारी पूरी नहीं हो पाती है, ये है बात। मोदी ने तो महंगाई कम करी है ना? महंगाई कहाँ कम करी? सिलेंडर 1230, सिलेंडर को क्या पकाएंगे? सिलेंडर पे 1200 से 200 सिलेंडर पे पकाएंगे क्या? अरे चीनी 30 थी, 44 कर दी, तेल था 250 कर दिया, 30 रुपए किलो दूध था 60 कर दिया, 70 कर दिया, सिलेंडर पे क्या रुपए आटा कर दिया, कहाँ से बुरा पड़े बच्चों का? आप कितनी चाह रही, कितनी तनख्वाह हो आप? कम से कम 25,000 तो होनी चाहिए, कम से कम 25,000। और हमारी जो मंत्री है वो कहती है कि हमें इनकम हमारे से ज्यादा है, मजदूर। आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांग तो ये है कि भाई हमारा राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए, चाहे उसमें 2500 मारे चाहे हमारे 1500, हमें टोटल फैसिलिटी सरकारी कर्मचारी की वाली चाहिए बस। जब मोदी जी पहली बार आए थे हम ही लोगों ने उन्हें जिताया था, घर घर जाके हम लोगों ने उनका प्रचार किया था। और आज क्या है कि हम ही लोगों की सैलरी नहीं, कुछ नहीं, कुछ हम लोग ऐसे धक्के खा रहे हैं सड़कों में। क्या सोचा अगर मोदी जी आपकी नहीं सुनते तो हड़ताल? हाँ कैसे कुछ फ्यूचर में हम कुछ सपोर्ट ही नहीं करेंगे, वोट ही नहीं देंगे, कोई वोट नहीं देंगे। हम जैसे हमने उनका प्रचार किया था ना वोट देने के लिए, वैसे उन्हें गिराने के लिए प्रचार करेंगे ना, तो कुछ काम नहीं हो सकता, कुछ नहीं काम हो सकता हमारे, कुछ भी आंगनवाड़ी के बगैर सारा बंद पड़ रहा है। वोटिंग बंद, वोटिंग नहीं देंगे। आप कितने लोग हैं एक साथ? एक साथ हम तो बहुत है, 3 महीने घर औरतों के पेट में होंगे, जब तक उसका बच्चा 6 साल का नहीं होता, आंगनवाड़ी अपने बच्चों को भाड़ में डाल ले, उनके बच्चे पाले, बस 4 घंटे टिक्का भी लगवाना, राशन भी बांटना, पूरा पूरे दिन फील्ड में लगे रहते हैं, सबके पोषण का ध्यान रख के हमारे खुद के बच्चे कुपोषित नहीं, हमने सारे काम हमारे को सौंप दिए गए। क्या कहते हैं, हमारे को हर जगह काम हमें सोच दिया गया, अस्पताल का काम हमें दे दिया गया, हर एक काम, हर एक विभाग का काम हम संभाल रहे हैं सारा, और हमारी सैलरी बढ़ाने के नाम पे उनके हमारी मंत्री कहती है 1 घंटा काम करती है, ईरानी कह रही है 1 घंटा, हाँ 1 घंटा काम करती है। अरे एक बार फील्ड में तो आके चेक करें, आके चेक करो, रोज हमारे ऑर्डर पे ऑर्डर आते हैं, आज ये काम, अभी आज 30 तारीख है, एक महीना बंद करवा रहे, काम करती भी आई बताओ, ऑफिस में तो छुट्टी है, सारी जनिया काम करती है, मोबाइल पर काम करती है। हमारा मानते तो यूं चला जाता है सारा, आज यहाँ चले जाओ, आज वहाँ चले जाओ, आज वहाँ भीड़ इकट्ठी कर दो, मोदी जी ने बुलाया, आज वहाँ भीड़ इकट्ठी कर दो, क्या करें? अलावा हमें कोई फैसिलिटी नहीं है, ना कोई किराया, ना कोई भाड़ा,
कोई चीज नहीं है। एक घंटे काम करते 5500 ठीक है, हमें एक ही घंटा काम करते हैं। अरे भाई एक दिन फील्ड में आके हमारे साथ एक महीना रह के देखो, तब पता चलेगा कि हम जब यहाँ पे क्या करते हैं। स्कूल जो है सरकारी स्कूल में टीचर कह रही कि बच्चे को सब कुछ आना चाहिए। मैंने कहा हम तो बच्चे को मजबूत करके भेजे हैं, 90-91 लाख रुपए तनख्वाह है और हम मजबूत करके भेजेंगे नहीं बच्चे की। और मैं जाकर गोर नहीं देती, और हम गोर दे रहे हमारी तनख्वाह कुछ भी नहीं है, और मैं कुछ नहीं गोर देती उनकी तनख्वाह इतनी बढ़ा रखी। क्यों बच्चे उन्हीं गई मुंह नहीं गई खाने को, हमारे तनिया पहनने को हम क्या नहीं कर सकते। हमारी तो सरकार से यही अपील है, यही सीएम से, यही पीएम से कि भाई हमारी वे हमारा नम्र निवेदन है उनसे कि वे हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दें। बस जब हमें ये कहीं कुछ तनखा है कहीं कुछ तनखा है, हर जगह अलग अलग सैलरी है, सबकी एक जगह होना चाहिए, मान दे हमारा सबका एक समान होना चाहिए। उत्तराखंड में 10,000 जो हमारा पड़ोसी है, लेकिन 5 किलो राशन मिल तो रहा है कहाँ, कुछ भी नहीं। अरे हमें तो कहीं भी कोई भी फैसिलिटी नहीं, हम सरकारी है, राशन मिल रहा है, राशन कार्ड से राशन कौन सा मिल रहा है, कौन सा राशन मिल रहा है, क्योंकि दे रहे हैं ना 5 किलो राशन, कौन सा राशन, कौन सा 5 किलो वो मिल रहा राशन कार्ड से। अरे अब कैसे नाज दिया, ऐसा नाज दिया पता नहीं खाते में से निकाल कर लाए, कोटे वाले के पास से मिलता है ऐसा नाज दिया, ये हमारे से मांगता है। तो चाहिए ही नहीं हमें राशन, नहीं चाहिए हमें, चाहे राज्य कर्मचारी घोषित करे चाहे केंद्र कर्मचारी घोषित करे। अगर मोदी जी आपकी मांगे पूरी नहीं करते तो फिर आप क्या करेंगे, हमें तो फिर क्या करेंगे, 2024 में बता देंगे। तो 5 किलो राशन क्या दिन खा लेंगे बताओ, कितने दिन खा लेंगे, 3 का है 2 का खत्म कर रहा जिस घर में, जिस घर में आपका मुद्दा क्या है, जिस घर में 5 बंदे हैं और 5 में से 3 बंदों का राशन आ रहा तो फिर 2 कहाँ जाएंगे बताओ आप, नहीं वो तो बताओ आप कहाँ जाएंगे। आप उस 5 किलो पे क्यों जा रही हैं, वो 5 किलो चावल फ्री में दे रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं और दाल साग सब्जी हरा सब्जी सबको आसमान छुआ रहे हैं, वो कहाँ से आएंगे बताओ। नहीं उसमें सब्जी है, नहीं उसमें चीन कुछ है, तो क्या ना खाली से खाली चावल तो आप क्या चाह रहे, कितनी तनख्वाह हो आपकी, कम से कम 25,000 से भी काका चाहिए, 18,000 सहायिका का चाहिए, मिनी आंगनवाड़ी का भी 25,000 चाहिए क्योंकि वो हमारे समकक्ष है। बस काम अधूरा आधा होता है लेकिन उतना ही काम काम होता है, घंटा उनका उतना ही होता है। स्मृति रानी कह रही है कि आप तो 1 घंटा काम करती है, उनका जुबान फिसल गया कि जान बुझ करके बोली, वो तो वो जाने क्योंकि उनका दिमाग एक जगह नहीं रहता है, अपने विभाग पर अगर ज्यादा फोकस करती तो उन्हें पता होता कि आंगनवाड़ी कार्य करती है कितना। पर वो मंत्री ऐसा ही बोल रही होंगी, कुछ भी बोलने के लिए कुछ भी बोल दे, क्या करिएगा, बोल दीजिएगा कि इस्तीफा दे देने के लिए। अगर इतना नहीं समझ है कि बाल विकास मंत्री है वो, और बाल विकास मंत्री को ये पता नहीं है कि उनका आंगनबाड़ी कितना काम करती है, कै घंटा काम करती है, अगर उनको ये पता नहीं है, इतना गरूर हो गया कुर्सी पर बैठते ही, तो उनको बोलिएगा कि इस्तीफा दे देने के लिए। सेविका बोली है आप लोग को, ICDS की सभी सेविका बोली है, अगर इतना समझ नहीं है तो इस्तीफा दे दें, कर्मचारी इस्तीफा दे दें। हाँ दे दें, अगर इस तरह का बयान देगी तो हाँ तो इस्तीफा दे दें, और नहीं तो जो गलती हुई उसको स्वीकार करते हुए हम लोग जा रहे हैं, तुरंत का तुरंत हम लोगों को न्याय दें और सही मांग जो है हम लोगों को वो अभी तुरंत पूरा करें, तो हम लोग समझेंगे क्यों गलती स्वीकार कर ली। उनका आदत है माफी मंगवाना, माफी मांगेंगे नहीं, गलती करेंगे लेकिन माफी नहीं मांगेंगे। एक ही बात है, उनको कुर्सी से हटाइए, हमें वैसी मंत्री नहीं चाहिए जो एक महिला होकर के महिला का शोषण करे, उनके मान सम्मान पर। वो कैसी मंत्री चाहिए जो हमारी बात करे, जिनको अपने विभाग के बारे में सही सही जानकारी हो। अरे सही नहीं बोलो तो गलत भी मत बोलो भाई, 1 घंटे कैसे उन्होंने बोल दिया, जबकि हम 5 घंटे उनके अनुसार काम करते हैं और रजिस्टर के अनुसार, और ऐसे जो सारा काम जो रह जाए तो 18-18 घंटा हम लोग काम करते हैं, सोते हैं ना तो सपने में भी ये टक 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 करता है कि हमको काम करना है। परेशान पैर से और घर के छोड़ आवेंगे, ले आवेंगे और जब वहाँ जाएंगे और फिर काम करेंगे, आंखा भी अंधी होगी काम करते करते, वहाँ भी लिखो घर आके भी लिखो, BOF चला दे, BOF बेवकूफ बनाए रखे हमारा। आप कहाँ से आएंगे? हम सहारनपुर बलिया खड़ी ब्लॉक से आए हम। क्या नाम है आपका? जगवती देवी। क्या चाह रही हैं आप? मैं तो चाह रही हूँ सब बहनों का जो है मानदेय बढ़ा जाए, 25,000 हमारी सरकारी
सरकारी कर्मचारी घोषित करे जा हमें बिल्कुल तुरंत। पेंशन बिचारी पेंशन पेंशन तो तभी मिलेगी जब हमारा कुछ होगा पेंशन, हमें पहले सरकारी घोषित किया जाए उसके बाद पेंशन पुनशन उस। हाँ जब हम ले जा रहे हैं 5 किलो चावल से क्या मतलब, उससे कोई मतलब नहीं, उस मुद्दे पे नहीं ले जा रहे। बहने लटा रोती है कुछ नहीं मिलता, मरती है कुछ नहीं मिलता, कहते बीमा हो गया हमें लारो लगाया जाता कुछ नहीं मिलता, बच्चों को कुछ भी नहीं देते। 3-4 बहना मर गई मारी ऐसे कुछ भी नहीं मिला और 80 रुपए बीमे का काट लेते हैं। हमें तो बताते भी शर्म लगा कि 5,000 रुपए हमें मिल रहे, वो कहेंगे क्या मोदी जी ने तो महंगाई कम करी है ना, महंगाई को क्या कर रहे हैं, मेरे बच्चे तो भुक्के मर रहे हैं, राम मंदिर बना रहे हैं। महंगाई का कहीं हम नहीं सुनो, महंगाई का कहीं हम सब्जी बेच रहे हैं, हम 9-10 बजे के लिए मंदिर बना रहे हैं, आप ही के लिए तो बना रहे हैं, आप ही के लिए तो बना रहे हैं। अरे हम नहीं, हम तो मेरे बच्चों को पेट पालन के पैसे दो बच्चे, मैं हमारे सड़कों पे बिना ना ना नौकरी दिए जा रही, ना ना कुछ दिए जा रहा। नहीं जब हमारे हाथ में पैसे होंगे जब तुम बच्चों को पढ़ाओ लिखाओगे जब तो हम कामयाब करेंगे उन्हें। 22 रुपए महीना। हाँ जी बता क्या हो जी, कुछ भी नहीं होता है 2200 रुपए में, 1200 का सिलेंडर 5,000 रुपए फोन में गिर जाएंगे, क्या बचा में कुछ भी नहीं बचता बताओ। नहीं 5,000 रुपए एक बच्चे की फीस चल जाए 5,000 रुपए में, क्या हो रहा है हमारे बच्चे तो सड़कों पर तार रखे प्रधानमंत्री जी ने है बताओ। मोदी जी राशन भी तो दे रहे हैं, अरे राशन में गोली मार, हमें नहीं चाहिए राशन, राशन को हमें चाहिए, हमें तो जो है कर्मचारी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें राशन भी नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। नहीं उन्हें बेरोजगारों को दे दो बेचारों को राशन, पर जो है आंगनवाड़ी कर्मचारी इन्हों तो कर्मचारी घोषित किया जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि महिलाओं की मांगे हैं कि उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए और उनको न्याय दिया जाए, वरना वो मोदी जी को अगली बार नहीं देखना चाहेंगी। तो देखते रहिए जनहित आवाज़।